अपडेट नंबर 1 आज खोलिप स्कूल प्रथम रु सप्तम हेप ऑफलाइन क्लास आज ठारू खोलिप राज्यर समस्त विद्यालय राज्यर प्रथम रु सप्तम छात्र मानक पई ऑफलाइन पाठपढ़ा आरंभ हेप एही सूचना देछंती राज्य विद्यालय व गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास छात्र छात्री विद्यालय परिपेक्ष ठारू पाखापाखी दुई वर्ष हेप दूरे रही छंती एबे स्कूल आसीबा परे तांको उपरे कोनोसी चाप पड़ीपा को दिया जीवन नाही प्रथम गोटे सप्ताह पाठचाप दि नई विभिन्न कार्यक्रम मध्यम से मानसिक स्तर में खुशी रखा चेष्टा फल पाठपढ़ा को सहजरे और खुशी ग्रहण करें मंत्री कहते व्यतीत श्रेणी परीक्षा बिना छात्र छात्री को श्रेणी में उन्नत करणा पाठर किसी पुनरावृत्ति कर सब विषय प्रति अवगत कर शिक्षाविद मान आलोचना कर नुआ योजना हो मंत्री भद्रकर सातटी जिला परिषद जोन्रु सबुजाक हातेला बीजेडी भद्रक जिलार 28 जिला परिषद जोन्रु प्रथम दिन भोट गणतिर सात ब्लक सातटी जिला परिषद जोन्रु सबुजाक जोन बीजेडी पछे नहीं एपरिकी थामनगर बीजेपी विधायक विष्णु सेठी गढ़ में बीजेडी बाजी जीति से भंडारीपोखरी निर्वाचन मंडल पंत और भंडारीपोखरी ब्लक दुईट जिला परिषद जोन्रे बीजेडी सह कंग्रेस निर्वाचन युद्ध हो सूचनार प्रकाश जे भद्रक 17 ब्लक 25 नंबर जिला परिषद जोन में बीजेडी प्रार्थी प्रतिमा चाना मोट 19,493 खंड भोट पाई विजयी होता बेले निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रार्थी प्रज्ञा परमिता चाना 12,075 खंड भोट पाई बीजेडी प्रार्थी 7,418 खंड अधिक भोट पाई भद्रक कांग्रेस शोचन पराजय घटी। अपडेट नंबर 3 केन्द्रापड़ा 9 जिला परिषद आसन पछेला बीजेडी पंचायत निर्वाचन प्रथम पर्याय मतगणन केन्द्रापड़ा जिलार 9 जिला परिषद जोन में बीजेडी पाचीमात करिछे बीजेपी और कांग्रेस को पछरे पकई विजु जनता दल प्रार्थी मैंने प्रथम पर्यायर समस्त 9 जोन दखल करिछंती जोन 1 रे कनकलता बेहरा जोन नंबर 5 रे लिलित दास जोन नंबर 9 रे एलिजा स्वई जोन नंबर 12 रे थनेश्वर सेठी जोन नंबर 15 रे प्रियदर्शनी तराई जोन नंबर 19 रे सस्मिता स्वई जोन नंबर 24 रे प्रमोद कुमार रथ जोन नंबर 37 रे प्रवीणा दास और जोन नंबर 30 रे सुरेन्द्र कुमार राउत विजयी होती 2017 में अनुष्ठित पंचायत निर्वाचन में 9 जोन मधु बीजेडी 5 जिला परिषद आसन दखल करजेपी 4 जोन में विजयी होता। अपडेट नंबर 4 भोट्रे हेरफेर तदंत दाबी कला बीजेपी अनुगुण जिला पाललहड़ा ब्लक 2 नंबर वार्डे भोट्रे हेरफेर अभोग ये अभोग आजेपी दल एठार निर्वाचन को बातिल करने को दाबी करने सहित एक घटनार तदंत कर दलय नेता अशोक महांती कहते पाललहड़ा निचिगड़ पंचायत 2 नंबर बुथ में भोटर संख्या जी ताठू 12 खंड अधिक भोट पड़े सरपंच समिति सभ्य और वार्ड सभ्यपाई 310 खंड भोट पड़ता बेले जिला परिषद आसन पर 12 खंड अधिक बालाट पेपर मिलता श्री महांती कहते घटना संपर्क में आम निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन कमिशन को अवगत कराई आम एठार निर्वाचन को बातिल करने सहित घटनार तदंत कर संपृक्त अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दावी करजिला बीजेपी जो अभोग आदंत पर तार सत्यासत्य जमापड़। अपडेट नंबर 5 प्रथम दिन गणतिर फलाफल जाजपुर 10 आसन हातेला बीजेडी पंचायत निर्वाचन पर शनिवार ठारु गणति चली प्रथम दिन जाजपुर जिले में 10 ब्लक 10 जिला परिषद जोन में भोट गणति होता और समस्त 10 जाक आसन में बीजेडी विजय लाभ कर बड़छणा 16 नंबर जोन में बीजेडी प्रार्थी जतेन्द्र प्रसाद नायक निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी पवित्र कुमार राउत को 3,850 खंड भोट व्यवधान में परास्त कर एठार बीजेडी प्रार्थी 15,464 खंड भोट पाई बेले बीजेपी प्रार्थी 11,614 खंड भोट पाई बोरी 21 नंबर बीजेडी जिला परिषद प्रार्थी अशोक कुमार सामल तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी तपन कुमार पंडा को 5,175 खंड भोट व्यवधान में परास्त करते एठी बीजेडी प्रार्थी 13,757 खंड भोट पाई बेले बीजेपी प्रार्थी 8,582 खंड भोट पाई धर्मशाला ब्लक 11 नंबर बीजेडी जिला परिषद प्रार्थी सुधांशु भूषण साहू तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी विष्णुचरण साहू को 3,599 खंड भोट व्यवधान में परास्त करते। अपडेट नंबर 6 बीजेडी को चकमा दला जेएमएम मयूरभंज जिला बामनखाटी उपखंड विशोई ब्लक जिला परिषद संख्या 33 रे बीजेडी और बीजेपी को शक्त छटका झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जेएमएम युवा प्रार्थी शीतल किस्कु जिला परिषद पद हाथी नहीं जेएमएम प्रार्थी शीतल बीजेडी प्रार्थी शोभाराम श्यामा मुर्मू मात्र 22 खंड भोट्रे हर विजय लाभ कर जेएमएम प्रार्थी शीतल 5,768 खंड भोट पाई बेले बीजेडी प्रार्थी शोभाराम श्यामा मुर्मू 6,846 खंड भोट पाई
जिला परिषद आसन जितने चारिड़ शुभेच्छा ज्ञापन कराइए जितना पर बहुत खुशी होती शीतल से कहते जगह मित्र लोक कम करेंगे एम कम पर्यंत पाठ पढ़ा शीतल गत 2017 निर्वाचन में आसना ग्राम पंचायत समिति सभ्यपाई लड़ी और द्वितीय स्थान में रही थे। अपडेट नंबर 7 निर्वाचन हिंसा कार को चली थे दुर्वृत्त त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन भोट गणति चली समय बलांगीर जिला बंकमुंडा ब्लक बेलापड़ा पंचायत निर्वाचन हिंसा देखा मिले शनिवार राति पंचायत पूर्वतन सरपंच अंचना मेहर कार OD03J4367 को दुर्वृत्त मैंने पोड़ी प्रकाश शनिवार राति सरपंच अंचना कार पंचायत अफिस् परिसर एक घरे रखी था राति दुर्वृत्त मैंने उक्त घर आजबेस्टर्स काटा सह किरोसिन ढाली निया लगाई से अभियोग करके दुर्वृत्त मैंने फेरार मारीे ग्रामवासी निया चलुवा देखि दमकल केन्द्र को खबर देते तुरंत राति में पंकमुंडा दमकल बाहन पहुंची निया को आयत्त करते सेतु कार्टी पड़ी छारखार हो जाता घटनास्थल में पंकमुंडा पुलिस पहुंची तदंत करते। अपडेट नंबर 8 रुषिया रकेट माड़ टी पड़ा 7 वर्षर शिशु रुषिया तृतीय दिन में युक्रेन प्रचंड आक्रमण जारी रखी युक्रेन राजधानी क्यूब अख्तियार करने रुषिया प्रमुख लक्ष्य रही है जेकोसी मुहूर्त में क्यूब्र केन्द्रांचल रुषिया सेना पहुंची जी जमापड़ी रुषिया आक्रमण में युक्रेन अवस्था भयावह हो पड़े युक्रेन लोके जीवन मरण सह संघर्ष करुवा कहुचे एठार केतल क्या जीवन सहित कौन घटव ताही जाणिना प्रतिदिन युक्रेन रु लम टांकुरा घटनार दृश्य सामना को आसुचे यार भितर रुषिया सेना युक्रेन पूर्वांचल बड़धरण आक्रमण कर रुषिया सेना एठार सुमी सहर से रकेट माड़ कर रकेट माड़ युक्रेन 6 जनकर मृत्यु हो जाए एथस सुमी होता विस्फोरण में जड़े 7 वर्षर शिशुर मृत्यु होता जमापड़े। अपडेट नंबर 9 गणतंत्र मध्यम लोक एक छत्रपात चाहते नरसिंह मिश्र लगातार द्वितीय दिन गणति में बीजेडी जयजात्रा जारी रही है विरोधी बीजेपी और कांग्रेस को बहु पछरे पक बीजेडी आशादित भाव सफलता पाई चलिए यह फलाफल को नहीं मुहांमुही होती शासक और विरोधी गतकाली कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र गणमाध्यम को निज प्रतिक्रिया कहते गणतांत्रिक पद्धति मध्यम लोक एक छत्रपात प्रतिष्ठा करने को चाहते आज बीजेपी सांसद तथा पूर्वतन मंत्री प्रताप षडंगी आक्षेप कर जनादेश नुहे धनादेश जवाब दी बीजेडी वरिष्ठ विधायक प्रताप देव कहते जे विरोधी एजेंडा साधारण लोकों स्वार्थ ना गतकाली कांग्रेस विधायक दल नेता श्री मिश्र चुक्ति था राज्य में तरतम नियंत्रण में ना चाषी हाल संगीन बेरोजगारी समस्या उत्कट ता सत्वे जदि बीजेडी सपक्ष में राज्यवासी एपरी एकतरफा समर्थन आसुच्छे आउ कौन कह। अपडेट नंबर 10 को जवा पूर्व आपण अनुरोध भिडियोट शेष पर्यंत देखु कारण भिडियोर शेष रही आज राशिफल किंतु ता पूर्व भिडियोट लाइक कर दिंतु कारण आपण गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनवाई प्रोत्साहित करें साथ ही आपने क्यों क्यों जिलूर भिडियोट देखुं कमेंट बक्स में निश्चय लिखु। अपडेट नंबर 10 देशर बढ़ुवा मेधपहलता को नहीं चिंतार नीति आयोग चीनी लुण पर टिकस बढ़ावा योजना भारत मध्य दिनक दिन बढ़ुवा मेधपहलता को नहीं नीति आयोग चिंता प्रकट करे तेणु चीनी और लुण अधिक खाद्य पर टिकस बढ़ावा नीति आयोग विचार करुचे केवल एति नुहे बर फ्रंट अफ दि पैक लेबलींग भाई पदक्षेप ने नीति आयोग विचार करुचे फ्रंट अफ दि पैक लेबलींग अर्थात ग्राहकों अधिक चीनी लुण और चर्बी उत्पाद चिन्ह करें मेधपहलता जो भारत में शिशु किशोर और महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता नहीं कमिशन रिपोर्ट में रिपोर्ट में कहुई महिला किशोर और पिला मेधपहलतारु रक्षा करने कमिशन सहयोग में आर्थिक विकास प्रतिष्ठान अर्थात आईईजी और जनस्वास्थ्य संगठन कार्य करम पदक्षेप ने विचार कर पदक्षेप गुड़िकर फ्रंट अफ पैक लेबलींग सह चीनी और लुण पदार्थ सहित उत्पाद पर टिकस बढ़ावा योजना कर। अपडेट नंबर 11 भारी पड़ुछे युक्रेन उपर आक्रमण रूस विमान चलाचल पर कटकणा लगे फिनलैंड और बेल्जियम युक्रेन उपर आक्रमण करिपा रूस उपर भारी पड़पार लगे दिन गढ़ा सह रूस निजर सैन्य हरा बेले विभिन्न देश रूस उपर कटकणा लगा रूस चिंता बढ़िपार लगे किछि देश आर्थिक कटकणा लगता बेले एवं फिनलैंड और बेल्जियम रूस विमान चलाचल पर कटकणा लगे युक्रेन उपर आक्रमण कर दुईट देश रूस विमान चलाचल पर कटकणा लगता जमापड़े अंपक्ष युक्रेन उपर आक्रमण कर रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतर्जात जुडो फेडरेशन अर्थात आईजेएफ्र सम्मानित सभापति पदर हटा दि जाए तेज विभिन्न आड़ विरोध पर आज रूस बेलारूस युक्रेन सह शांति आलोचना प्रस्ताव देता हेले युक्रेन राष्ट्रपति जेलेनस्की यहाँ प्रत्याख्यान कर। अपडेट नंबर 12 युक्रेन में फसी 98 जन भारतीयों को नहीं चतुर्थ विमान भारत अभिमुखे उड़ाण फेरला
ରୋମାନିଆର ରାଜଧାନୀ ବୁଖାରେଷ୍ଟରୁ 198 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିମାନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ସମ୍ପ୍ରତି ରୁଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଭାରତ ରୋମାନିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ସହିତ ଏହାର ସ୍ଥଳସୀମା କ୍ରସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛି। ବୁଖାରେଷ୍ଟରୁ 219 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିମାନ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ରବିବାର ସକାଳେ 250 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 240 ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ତୃତୀୟ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ହଙ୍ଗେରୀ ରାଜଧାନୀ ବୁଦାପେଷ୍ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 13। ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଆଇସିଜର ତ୍ୱରସ୍ତ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ ଚଳାଇଥିବା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେଗ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇସିଜର ତ୍ୱରସ୍ଥ ହୋଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଆଇସିଜରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନରେ କହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନରସଂହାର ପାଇଁ ରୁଷକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ରୁଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆଇସିଜକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରୁଷକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 14। ନବରଙ୍ଗପୁର ରାଇଘର 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ 2623 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ। ଉମରକୋଟା ବ୍ଲକ ରାଇଘର ଜୋନ୍ 2ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ 2623 ଖଣ୍ଡା ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାନାରାଖରାଙ୍କୁ 11,136 ଖଣ୍ଡା ଭୋଟ ମିଳିଛି। ବିଜେପିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଣ୍ଟଙ୍କୁ 8,513 ଭୋଟ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଶୀଲ ସାନ୍ତାଙ୍କୁ 952 ଖଣ୍ଡା ଭୋଟ ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। ଉମରକୋଟରେ ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡିକୁ 9,681 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବିଜେପିକୁ 8,051 ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ 1,103 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଜୋନ୍ 2ରେ ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ 7,168, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ 1,398 ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 10,517 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ 3,349 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ସେହିପରି ଝରିକାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ 2ରେ ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡିର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନାୟକଙ୍କୁ 6,713, ବିଜେପିର ନରସିଂହ ଭତ୍ରା 3,935, କଂଗ୍ରେସର ଭାଗିରଥ ନାୟକଙ୍କୁ 2,060 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ଏଠାରେ 2,778 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 15। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ରୁଷିଆ। ଏହାରି ଭିତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷିଆକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ରୁଷିଆର ମିଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ ଆର୍ଟି ଓ ଅନ୍ୟ ରୁଷ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାରଣରୁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷିଆର ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 26 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ରୁଷିଆ 7 ମିଲିୟନ୍ରୁ $25 ମିଲିୟନ୍ ଲାଭ କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରୁଷିଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ସୋମବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି, କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ଅଫିସରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଭୋଗ ପିଳାସ, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଓ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବ। ବୃଷ ରାଶି, ଏମିତି କେତେକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ କଥାରେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତୀତ ଘଟଣା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଡ଼ିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିରୋଧ କାମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ। ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଥଲାଭ କରି କାମରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଜମିଜମା, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଆଲୋଚନା ତଥା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ, ମାତ୍ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ସଭା ସମିତି, ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ସିଂହ ରାଶି,
अधर्च न हो स्थिर भावना कम कले परिस्थिति मुकबिलार समर्थ हे विलंब हेले लक्ष्यस्थल को जीवार असुविधा हेब ना शिल्प वाणिज्य शेयर पचार क्षेत्र में समस्या दूर हो पाए बंधु मैंने ठीक खबर देवे हेला करपारती फल किटा व्यतिक्रम अवस्था पर कन्या राशि आज बंधु मान सहायता लाभ कर समस्या गुड़िक आपणा छाए सुधुरी स्वास्थ्य सामान्य व्यतिक्रम पर आशंका देखादेव बंधु आश्रय नहीं पारे जामें आसब कठिन श्रमजनित पुरतन रोगर पीड़ा वृद्धि पाईपे तुला राशि पारिवारिक व कर्म क्षेत्र में विभिन्न समस्या को प्रतिहत कर समर्थ हे दिन छोट छोट घटना प्रति गुरुत्व दिंतु ना कारण यही दिख प्रति ध्यान देने निज लोक सन्देह कर परिस्थिति सृष्टि हेब सामान्य समस्या सह पारिपार्श्विक परिस्थिति केतकांश से भल रखा राशि आज जो कम हाथ देते सफलता निश्चित पारिवारिक प्रतिरोध और खर्चांत को रखिपारे ना मानसिक अस्थिरता लाग रखा कारण प्रत्येक कार्यपल सठिक समीक्षा कर पछे जापारे व्यवसाय वाणिज्य जात्रा प्रतिद्वंदिता प्रभृति प्रत्येक क्षेत्र में सामयिक आश्वस्ति मिल धनु राशि साधारण व्यतिक्रम रही घर कम सांग को बंधु कम को अग्राधिकार देते व्यवसाय व्यस्त रखी लाभवान होते अंर कानकुआ कथ को सतमणि जिते भल कथा कहले बंधु फुल बुझे आर्थिक स्थिति पारिवारिक परिस्थिति कार्य सफलता उद्यम विफल होबना मकर राशि कर्म क्षेत्र में फाइल कम जांत्रिक त्रुटि मीटिंग प्रभृति में व्यस्त रखिपारती जंचाला पढ़ा कारण परति विमुख हो पारे वाणिज्य व्यवसाय परिपूर्ण स्थित पूर्वपरि अतुट रर निर्भर नक चलीपारे ना कि निर्भर करने द्वारा पूर्ण मात्रा काम हासिल हो नपे कुंभ राशि समस्या समाधान नैराश्यजनक स्थित आशार संचार अर्थलाभ और कम हासिल अनुकूलता परिलक्षित होने पक्षर समालोचनात्मक मंतव्य देपारती संपर्क भौणी कि स्त्री तरफ समस्या आसीपे सांगसाथी परोक्ष क्षति साधन में लिप्त रखिपारती मीन राशि जहाँ भावुंत चलांतु मात्र आज केवल कला टेरा टांगरा और दातुरा व्यक्ति प्रति सतर्कता अवलंबन करने फल हो मीठा कथा कही बंधु मन में विश्वास तन्मयी कम हासिल करिपारे समर्थ हे भावुवा कमटी को शेष करेत्र विभिन्न प्रकार समस्या सामना करने को पड़ा।